बहुत एक्साइटेड हूँ बट उससे कहीं ज़्यादा नर्वस हूँ, बिकॉज 7 साल बाद एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज वापस ला रहे हैं हम लोग। एक एडल्ट कॉमेडी है और एक मेरे भाई और रितेश का कॉम्बिनेशन 7 साल बाद वापस आ रहा है। दोनों ने कॉन्शियसली आफ्टर बींग ऑफर्ड एटलीस्ट 20 फिल्म्स टुगेदर, एक भी साथ में नहीं की बिकॉज दे वॉन्टेड टू वर्क टुगेदर ओनली ऑन क्या कूल है पार्ट टू। जिन लोगों को एक फनी अडल्ट कॉमेडी देखनी है, स्पेशली द यूथ, स्पेशली स्मॉल टाउन फन यंगस्टर्स के लिए, इवन सिटी ऑडियंसिस के लिए, उनको बहुत मज़ा आएगा। सो ऑनेस्टली बाकी सब मुझसे बहुत गुस्से होंगे बट उनके लिए बने फिल्म है तो उनको कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसर से मेरा पुराना नाता है, मुझे बहुत प्यार करते हैं बट अभी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई हैं एंड आई एम होपिंग दैट जब तक ये फिल्म वो है परसों 27 जुलाई को रिलीज़ हो रही है बाहर आए, आई थिंक आज पूरे इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, हमारे अपना सेंसर सर्टिफिकेट भी आ चुका है। बट आई होप कि लोगों को पसंद आए, हमने बहुत टेंशन ली है और बहुत हार्ड वर्क किया है और आई होप कि हम आपको एंटरटेन कर पाएँ। संजय जी के ऊपर कोई व्यंग नहीं है, फिल्म पे है, देवदास पे, एंड आई थिंक देयर इज नथिंग मोर फन टू डू देन डू अ स्पूफ ऑन अ फिल्म। सो देयर इज अ स्पूफ ऑन सिंघम, देयर इज अ स्पूफ ऑन रावण, देयर इज अ स्पूफ ऑन डर्टी पिक्चर, सो देयर आर स्पूफ्स। और आई थिंक कि एज लॉन्ग एज हम किसी के साथ पर्सनली होते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करते, किसी इंसान को हम स्पूफ नहीं करते, फिल्मों पे स्पूफ करने में आई डोंट थिंक किसी को बुरा लगना।